खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खड़ी ट्रॉली में मोटरसाइकिल ठुकने के कारण मौके पर ही मौत। पिंजरवाड़ी के रहने वाला परिवार जो कि बेटमा में रहने चला गया था, उसकी विगत दिनों मौत हो गई थी, जिसके सवा महीने के कार्यक्रम से लौट रहे दंपत्ति की बेटमा रोड पर बारौदा फाटे के पास बीच रोड पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सहित खान देपालपुर के रूप में हुई। वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर नगर के निजी अस्पताल में जीवन में मौत से संघर्ष कर रही है। बारौदा पंथ फाटे तथा जालौदिया पंथ कटिंग के बीच मेसी ट्रैक्टर 35 ट्रॉली सहित रोड पर मोरड से भरा हुआ ट्रॉली का टायर फटने के कारण रोड पर खड़ा था। इस दौरान मोटरसाइकिल से बेटमा से अपने घर पिंजरवाड़ी में रहने वाले युवक की खड़ी ट्रॉली में मोटरसाइकिल ठुकने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे 108 की मदद से निजी अस्पताल में लाया गया, जहां वह जीवन में मौत से संघर्ष कर रही है। गांव वालों व राहगीरों ने 108 की सूचना दी। इस दौरान नगर में घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ले के सैकड़ों लोग अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंचे। क्षेत्र में चलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर ना तो कोई नंबर लिखे होते हैं, ना ही रेडियम लगा होता है, जबकि ट्रॉली पर भी नंबर होना अति आवश्यक है। मृतक परिवार पिंजरवाड़ी में रहकर एक छोटी किराने की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। खबर समय जगत के लिए देपालपुर से पारस बारौट की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।